मैं भोजपुरी के और थोड़ा विषय इसमें जोड़ना चाहूंगा जी कि इस वक्त जो है बड़े स्टार में से पवन सिंह है जी, केसारी लाल है जी, और आप भोजपुरी में डेब्यू कर रहे हैं, क्या आपने इन दोनों की फिल्में देखी? अब मैंने इन दोनों की सारी फिल्में देखी हैं। मैं पवन जी से मैं मिल भी चुका हूँ और मैं बहुत एडमायर करता हूँ। पवन जी के पास एक सरस्वती की ऐसी देन है जो शायद हमारे इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, उनका गला। मैं भी हमें सेम जिला से आई ला, आरा जिला से, मेरा भी मेरा पैतृक आरा जिला ही है, ठेठ आरा जिला। गाना भी आरा के ऊपर गाया है। बिल्कुल, मैं उनके सारे गाने सुनता हूँ, उनको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनके पास वो चीज़ है। अभी हाल ही में पवन भैया का एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से भोजपुरी में वल्गैरिटी नहीं आएगी या पवन सिंह नहीं आने देगा, ऐसा कुछ उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। और अभी अगर मैं ताज़ा रिपोर्ट की बात करूँ तो आई थिंक वो सोनू निगम के साथ एक छठ पूजा का वो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मैं उसी क्षण की बात कर रहा हूँ जब एक 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 आदमी बिहार से हटके सोनू निगम को छठ पूजा पे लेके आया है। हम लोग इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, ऐसे ही और लोग कोशिश करें तो हम लोग आगे जा सकते हैं। मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि पवन सिंह ने होली का जब गाना रिलीज हुआ था तो सलमान सुलेमानी को भी उनके साथ उन्होंने गाना गाया था। जी जी, तो पवन सिंह तो पावर स्टार बोले जाते हैं। राइट राइट, और पावर स्टार हैं, पवन सिंह पावर स्टार है। तभी तो देखिए कि वो मतलब कि अपने तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करें कि एक एक हिंदी एक एक स्टेप बड़े बड़े सिंगर के साथ वो कर रहे हैं, और उनके गाने जो हैं हिंदी में जो आ रहे हैं काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो ठीक है, आपने पवन सिंह को देखा, पवन सिंह को सुन, यानी कि आपकी कुछ झलक दिखेगी उसमें, पवन सिंह की कुछ झलक नजर आएगी कि आपका अपना एक झलक रहेगा उसके नहीं। सर वो तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको तो हम एडमायर कर सकते हैं। मेरी एक अपनी अलग पहचान है उनसे, कई चीज़ें हो सकता है कि मैंने शायद अडॉप्ट की भी हो, तो वो तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना दिखा पाऊंगा, लेकिन मेरी अपनी एक अलग जर्नी है, उसको मैं ज़रूर उसके अंदर दिखाऊंगा, चाहे वो डांस के माध्यम से हो चाहे और भी अलग माध्यम से हो। लेकिन हाँ, हम सब के लिए बड़े ही प्राउड मोमेंट था जब वो सोनू निगम के साथ आ रहे हैं या सलीम सुलेमान के साथ वो गा रहे हैं। तो मेरा गांव और उनके गांव के डिफरेंस के बीच में आई थिंक 7-8 किलोमीटर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और जब वो छोटे थे तो हमारे घर पे भी आए हुए हैं, हमारे गांव भी वो आते थे, तो हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर कि पवन सिंह सोनू निगम को लेके आ रहे हैं या सलीम सुलेमान के साथ गा रहे हैं। तो विकी सिंह भी जो है रघुराम लेके आ रहा है पूरी टीम के साथ। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भोजपुरी फिल्म का जो दायरा है बढ़ते जा रहा है, जो शो हो रहे हैं डेली शो के शो हो रहे हैं, जो बड़ा शो बोला जाता है सलमान खान जिसे होस्ट करते हैं बिग बॉस, उसमें भी भोजपुरी कलाकार आते हैं। राइट, उनको बुलाया जाता है। बिल्कुल, तो कितनी प्राउड की बात हो रही है, और भोजपुरी को आप आगे किस लेवल पर देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं, उनका भविष्य किस तरह है? भविष्य बहुत अच्छा है सर, भविष्य अच्छा है, तभी तो भोजपुरी कलाकार बड़े बड़े स्तर पर जा रहे हैं। पहले बिहार में शूटिंग होती थी, उसके बाद इंडिया में हुई, इंडिया के बाद फॉरेन में चालू हुई, कुछ तो आसार है तभी। अच्छा, फॉरेन सी बात आई तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि केसारी लाल छठ पूजा का सॉन्ग जो है जर्मनी में शूट कर रहे हैं। बताइए, बधाई हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जहाँ बड़े स्टार के पास जाइए, एक बार कहिए कि थोड़ा सा भोजपुरी को और मेहनत कीजिए, ऊपर आ जाए, गवर्नमेंट के सूची में आ जाए, मल्टीप्लेक्स में जैसे और भी रीजनल भाषा को मिलती है, भोजपुरी को भी एक शो दिया जाए।